हेलो, इस वीडियो में मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की सेक्सुअलिटी या सेक्स लाइफ के बारे में बात करूंगा। किडनी ट्रांसप्लांट के पहले, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, जैसे ही किडनी फेलियर डायग्नोज होता है या किडनी फेलियर चल रहा होता है, तो पेशेंट सिर्फ अपने सर्वाइवल से नहीं जूझ रहा होता, बल्कि इसकी लाइफ स्टाइल भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। वह एक फियर होता है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ट्रांसप्लांट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ट्रांसप्लांट की लाइफ कैसी होगी, तो सेक्सुअल फंक्शन इन सब चीज़ों में इग्नोर हो जाता है। और जब ट्रांसप्लांट हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, तो सेक्सुअल लाइफ इसलिए बुरी तरह इफेक्टेड होती है कि कई बार मन में बहुत सारे फियर्स रहते हैं, प्रेजुडिसेस रहते हैं, और डर लगता है सेक्सुअल लाइफ रिज्यूम करने में। कई बार फिजिकल कंडीशंस भी होती हैं, तो इन सब चीज़ों के होते हुए नॉर्मल सेक्सुअलिटी रिज्यूम नहीं हो पाती है। इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि हमारे समाज में एक टैबू है कि लोग सेक्स लाइफ डिस्कस करने में बहुत असमंजस महसूस करते हैं। ना तो वह आपस में डिस्कस करते हैं और ना तो वह डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कि सेक्स लाइफ प्रज्यूम कैसे करना है। हालांकि आजकल लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं और ओपनली सवाल करते हैं, बट फिर भी यह एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है। इसके पहले कि मैं सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करूं, तो मैं आपको ये बता दूं कि सेक्सुअलिटी क्या होती है। सेक्सुअलिटी सिर्फ इंटरकोर्स या सेक्स करने की प्रक्रिया नहीं है। सेक्सुअलिटी एक बेसिकली एक तरीके का अपने आप का एक्सप्रेशन है। मेल अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, फीमेल अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, कैसे वो इंटीमेसी फील करता है, कैसे वो रोमांटिक फीलिंग रखता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स एक उसका एक पार्ट है। तो जब ट्रांसप्लांट होता है तो शुरू में कई बार ये रहता है कि सर्वाइवल का ये रहता है कि मैं ट्रांसप्लांट से रिकवर हो पाऊँगा कि नहीं। एक बार वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर नेक्स्ट होता है कि कैसे जल्दी हमारा पेन ख़त्म हो, स्टेंट वगैरह निकल जाए, कैसे हम फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम करें। अब ये सारी चीज़ें यूजली 1.5 से 2 महीने में ठीक हो जाती हैं। 1.5 महीने में पेशेंट्स का पेन ख़त्म हो जाता है, इम्यूनो सप्रेशन मेडिकेशन से लेवल्स स्टेबलाइज हो जाते हैं, दवाइयाँ स्टेबलाइज हो जाती है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है तो पेशेंट फिर लाइफ स्टाइल्स की तरफ सोचता है, बट लाइफ स्टाइल के बारे में सोचता है बट सेक्स लाइफ पीछे ही रह जाती है। क्योंकि इसकी वजह से इसका कारण होता है कि बहुत सारे सवाल होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद मेल और फीमेल दोनों के ही सेक्सुअल फंक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। लिबिडो इम्प्रूवमेंट हो जाता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो। बट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनमें सेक्सुअलिटी वापस नहीं आ पाती या सेक्सुअल फंक्शन वापस नहीं आ पाता या टाइम लगता है। इसके मेन 3 कारण हैं। पहला फिजिकल कारण है और दूसरा साइकोलॉजिकल कारण है, तीसरा ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फिजिकल कारण में जैसा कि ऑब्वियस है कि ऑपरेशन का दर्द हो सकता है और थकान हो सकती है या पोजिशन करने में अपने आप को तकलीफ हो सकती है। दूसरा साइकोलॉजिकल कारण है। साइकोलॉजिकल कारण इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। इसमें सबसे पहला ये है कि सबसे कुछ पेशेंट्स बहुत डर रहे होते हैं कि कहीं मेरा ग्राफ्ट ना ख़राब हो जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। दूसरा होता है कई बार ऐसा ना हो कि हम अपने पार्टनर को हर्ट ना कर दें, कहीं किडनी में चोट ना लग जाए। कई बार डोनर पार्टनर ही होता है, हस्बैंड ने वाइफ को दिया होता है या वाइफ ने हस्बैंड को दिया होता है, तो इसके लिए भी कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। जैसे हमारे समाज में यूजली वाइफ डोनर होती हैं, तो वाइफ और हस्बैंड में इस टाइप के साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं कि वाइफ को लगेगा कि वो हस्बैंड को हर्ट ना कर दे या हस्बैंड को लगे वो वाइफ को हर्ट ना कर दे, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तीसरा मैंने जो बताया ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स, कई बार ट्रीटमेंट कुछ ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस होती हैं, कुछ ट्रांसप्लांट मेडिकेशंस होती हैं, वो पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस करती हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं में वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है मेडिकेशंस की वजह से, इसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। कुछ ट्रांसप्लांट मेडिकेशन होती हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन है, टैक्रोलिमस है, इनकी वजह से चेहरे में एक्ने होते हैं, आप थोड़े मोटे हो जाते हो, वेट गेन होता है, पैर में सूजन होती है, तो बेसिकली बॉडी का शेप चेंज होता है स्टेरॉयड की वजह से भी। तो जब बॉडी का शेप चेंज होता है तो आपकी सेल्फ इमेज चेंज होती है, आपको अपने बारे में अच्छा नहीं फील होता या आपको लगता है कि अगला बंदा मेरे बारे में कैसे सोचेगा, तो फिर एक तरीके का डिप्रेशन होता है या लैक ऑफ डिज़ायर होता है सेक्सुअल फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें मल्टीफैक्टोरियल हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो अफेक्ट करती हैं। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो आप डेफिनेटली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, सबसे पहले तो पूछें कि भाई सेक्सुअल फंक्शन रिज्यूम करना है कि नहीं। यूजली 6 से 8 हफ्ते में आप सेफली
सेक्सुअल फंक्शन रिज्यूम कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आप अपने ट्रांसप्लांट सर्जन और नेफ्रोलॉजिस्ट से इसके बारे में पूछें। एक चौथा कारण जो मैंने बताया नहीं, इसमें होता है फियर ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, कि प्रेगनेंसी का फियर होता है स्पेशली फीमेल पेशेंट्स में जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, कि कहीं हम प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो इसका इसका भी एक कारण है कि क्योंकि आपको कॉन्ट्रासेप्शन की नॉलेज नहीं होती। कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर ट्रांसप्लांट ना तो गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस होता है, ना तो नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस होता है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है। तो अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी, तो इसके बारे में स्पेसिफिक गाइडलाइन से पहली बात तो कि जब भी ट्रांसप्लांट होता है शुरू के एक दो साल प्रेगनेंसी एडवाइज़ नहीं की जाती, जब तक आपका ग्राफ्ट स्टेबल ना हो जाए, किडनी फंक्शन स्टेबल ना हो जाए, कोई रिजेक्शन ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, तभी आपको नेफ्रोलॉजिस्ट की परमिशन लेने के बाद ही और प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के बाद ही प्रेग्नेंट होना पड़ता है। और इसके पहले आपको रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना पड़ता है। कॉन्ट्रासेप्शन में आप ओरल पिल्स ले सकते हैं, हालांकि ओरल पिल्स से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, या बेटर होगा कुछ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं जैसे कॉन्डोम्स होते हैं, फीमेल कॉन्डोम्स रहते हैं। बट इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, ये फियर आपके मन से चला जाए, और वेन जब नेफ्रोलॉजिस्ट आपकी परमिशन दे तब आप प्रॉपर प्रेगनेंसी प्लान कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो इसको कैसे मैनेज करें। तो जैसा मैंने बताया कि सेक्सुअलिटी इज़ नॉट ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल इंटीमेसी। सेक्सुअलिटी एक ब्रॉड टर्म है। सेक्सुअलिटी मीन्स आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो एज ए मेल, एज ए फीमेल। इसमें इंटीमेसी भी होता है, रोमांस भी होता है, डिज़ायर भी होता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स एक जस्ट पार्ट है सेक्सुअलिटी का। तो बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो उसके पहले आप अपने पार्टनर को यू कैन शो डिज़ायर, लव, एंड एक फिजिकल इंटीमेसी आप इनिशिएट कर सकते हो, सो दैट एक परस्पर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आप डिसीज जो प्रोसेस है और ट्रीटमेंट का जो फियर है उससे आप बाहर आ सकें। एक बार आपकी किडनी फंक्शन स्टेबल हो जाए और एक बार डर आपका ख़त्म हो जाए कि आपको कोई मेजर सर्वाइवल प्रॉब्लम नहीं है या कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, देन रेगुलरली एंड ग्रेजुअली यू कैन रिज्यूम योर सेक्सुअल फंक्शंस। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका वो हिस्ट्री लेके आप डायग्नोज कर सकता है कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई पेन हो रहा है तो उसको इवेलुएट किया जा सकता है। फटीग है तो आप उसके लिए अच्छी बैलेंस डाइट करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसे जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं आपकी फटीग कम होती है और आप अच्छा एक्टिव और हेल्दी फील करते हो। जब आप एक्टिव और हेल्दी फील करते हो तब सेक्सुअल फंक्शन या सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, कुछ मेडिकेशंस जैसे मैंने बताया तो मेडिकेशंस के डोज अल्टर किए जा सकते हैं। तीसरा, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो इरेक्टाइल फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल, वायाग्रा, ये सारी चीज़ें दिया जा सकती हैं। फीमेल पेशेंट में अगर वेजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो लुब्रिकेटिंग जेली वगैरह एडवाइज की जा सकती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज साइकोलॉजिकल एंड इसको काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जब ट्रांसप्लांट नहीं होता, ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स में, चाहे वो मेल है या फीमेल हो, सेक्सुअलिटी प्रभावित होती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है मेल में, फीमेल में भी फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। बट एज सून एज द ट्रांसप्लांट इज ओवर द बॉडी पूरी चेंज हो जाती है, यू फील नॉर्मल। एंड व्हेन यू फील नॉर्मल, इट इज़ द फियर ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, फियर ऑफ स्पॉइलिंग योर किडनी, दिस अफेक्ट्स द सेक्सुअल फंक्शन। सो आई थिंक यू शुड कम आउट ऑफ दिस, यू शुड डिस्कस फ्रीली विथ योर डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि कब रिज्यूम करना है और आप एक हेल्दी और सेक्सुअल लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।